What's up everyone, welcome back to the channel. तो आज हम लोग कवर करेंगे एडमिशन ऑफ अ पार्टनर और वन शॉट एक ही वीडियो में. कोशिश करूंगा कि 60 से 70 मिनट्स की वीडियो में मैं आपको पूरा एडमिशन ऑफ अ पार्टनर समझा दूं और जो जो इस चैप्टर में से क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, जिस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चंस हो सकते हैं, वो सारे हम इसमें कवर करें. तो काफी इंपॉर्टेंट रहेगा और सब कुछ कवर करूंगा. जल्दी से जल्दी आपका पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा और सारा कंप्लीट रिविजन रहेगा. इसमें से क्वेश्चन बहुत सारे फंसेंगे, तो चलो फिर जल्दी से शुरू करते हैं. तो चलो यार अब शुरू करते हैं हम लोग एडमिशन के साथ. एडमिशन का मतलब क्या होता है, सबसे पहले मतलब जान लो जल्दी से. एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, इसका मतलब सबसे पहले यह है कि एक फर्म में एक नया पार्टनर अब आ रहा है. ठीक है, जैसे कि ए और बी दो पार्टनर्स हैं, इनका रेशियो था 1:1. अब एक नया पार्टनर आ गया सी. सी ने बोला कि यार देखो, पहले तुम लोग ए और बी बराबर बराबर तुम लोग हिस्सा बांटते थे. बराबर बराबर का मतलब 1+1 2, दो में से एक ए का और दो में से एक बी का. यही तो हिसाब बनता है कि ए और बी दो पार्टनर्स हैं, बराबर बराबर इक्वल इक्वल 1+1 2 1/2 1/2. इसने बोला भाई देखो वैसे नहीं चलेगा, अब ऐसे नहीं चलेगा, अब मैं आ रहा हूं तो मैं भी तो हिस्सा लूंगा, अब तीन पार्ट करो. सी आया 1/3 के लिए. इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि अब तीन पार्ट कर लो, तीन में से एक इसका, तीन में से एक इसका, तो बाकी कितने बचे, तीन में से दो. ये किसके होंगे, ये होंगे ए और बी का, ये आपस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे वो सब सीखते हैं हम लोग अभी. ठीक है, अब देखो एडमिशन का मतलब समझ गए. अब ये पार्टनर एडमिट क्यों होता है, इस पार्टनर को हम क्यों लाते हैं. पहली बात, हो सकता है हमें पैसे की जरूरत हो, भाई दो लोगों का पैसा कम पड़ रहा है, तो एक नए पार्टनर को बोला आप आ जाओ थोड़ा सा पैसा लगा दो, है ना. हो सकता है हमें किसी की एक्सपर्टीज चाहिए हो, क्या पता वो बहुत एक्सपर्ट हो, उसके एक्सपर्टीज के लिए हम उसको ला रहे हो. क्या पता हम उसकी गुडविल को यूज करना चाहते हो, उसकी अपनी इमेज बहुत अच्छी हो और उसके आने से हमें फायदा हो सकता है. तो देर में भी न्यूमरस रीजंस जिस वजह से पार्टनर फर्म में आता है. ओके, अब इसके अंदर कौन कौन से टॉपिक्स आपको सीखने हैं. सबसे पहले जब हम अकाउंट्स की बात करते हैं तो इसमें सबसे पहले तो आपको रेशोज आनी चाहिए निकालनी. कौन कौन सी रेशोज आनी चाहिए, दो रेशोज, एक तो न्यू रेशो और एक सेक्रीफाइसिंग रेशो. एक न्यू रेशो और एक सेक्रीफाइसिंग रेशो. उसके बाद आपको ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स आना चाहिए कि भाई नया पार्टनर होगा तो आप अपने पुराने रिजर्व्स का क्या करोगे. उसके बाद आपको आना चाहिए ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल. और उसके बाद लास्ट में आना चाहिए आपको ट्रीटमेंट ऑफ रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज. ये हमारे पास बेसिक चार चीजें हैं जो आपको आनी जरूरी हैं फ्रॉम दिस चैप्टर. ठीक है, क्या क्या हो गया जी, रेशोस, ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स, गुडविल और रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज. ये बेसिक चार चीजें हैं जो आपको इस चैप्टर में सीखनी है. तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले रेशोज के साथ. कौन सी रेशो निकालनी है, मैं सीखना चाहता हूं न्यू रेशो. नया रेशो कैसे निकलेगा, ठीक है. तो इसके अंदर आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को बहुत सिंपली इसके अंदर दो केसेस बनाने हैं. पहले तो दो केसेस बनाओ. अब एक बात समझो, सपोज ये प्रॉफिट है, पहले दो पार्टनर बांटते थे ए इतना बी इतना, अब भी प्रॉफिट इतना हो रहा है तो अब लेकिन तीन लोग बांटेंगे ए बी सी. तो देखो यार ए और बी का कुछ ना कुछ तो कम होगा ही होगा, जब पहले दो हिस्से थे अब तीन हिस्से होंगे, पहले दो पार्ट्स थे अब तीन पार्ट्स होंगे, तो कुछ ना कुछ तो होगा. तो याद रखना है कि जब भी कोई नया पार्टनर आता है तो नया पार्टनर तो गेन करता है और पुराने पार्टनर में या तो दोनों, इधर बोथ और कोई एक हो सकता है. बी बोले मैं तो अपना हिस्सा देता नहीं, या ए बोले मैं तो अपना हिस्सा देता नहीं, तो इसी में एडजस्ट कर ले, बी ने अपना हिस्सा कट डाउन कर लिया, तो कुछ भी ऐसा हो सकता है. तो एक नए पार्टनर के आने से इन दोनों में से या तो दोनों ही या कोई एक सेक्रीफाइस जरूर करेगा. तो यह बात याद रखना कि जब भी कोई नया पार्टनर एंटर करता है तो पुराने पार्टनर में सेक्रीफाइस होना तय है. ठीक है, अब देखो रेशो कैसे निकालना है. पहली चीज, व्हेन इंफॉर्मेशन इज गिवन अबाउट सेक्रीफाइस, जब सेक्रीफाइस के बारे में इंफॉर्मेशन गिवन हो. उसके बाद व्हेन इंफॉर्मेशन इज नॉट गिवन अबाउट सेक्रीफाइस,
जब सेक्रीफाइस के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन गिवन ना हो, ठीक है, तो अगर इन्फॉर्मेशन गिवन हो तो क्या करना है, इन्फॉर्मेशन गिवन ना हो तो क्या करना है, इसके लिए दो एग्जाम्पल से समझो। सबसे पहला एग्जाम्पल लो, सपोज करो कि ए एंड बी दो पार्टनर्स हैं, इनका रेशो 1:1 था, सी आ गया 1:3 के लिए, क्वेश्चन हो गया साइलेंट, आगे कुछ भी गिवन नहीं है, इसको लिखो इधर, व्हेन इन्फॉर्मेशन इज नॉट गिवन। ए और बी दो पार्टनर, इनका रेशो 1:1, सी आया 1:3 के लिए, आपको बोल रहा है कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, आपको बोल रहा है नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकाल के दिखाओ कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा। ठीक है, अब भाई मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा या किस तरीके से निकलेगा, मुझे तो पता ही नहीं चल रहा। इधर क्या बोला कि ए और बी दो पार्टनर्स हैं, रेशियो है 1:1, सी आया 1:3 के लिए, विच ही टेक्स, भाई हिस्सा तो लिया होगा ना, विच ही टेक्स फ्रॉम ए एंड बी इन 2:1, इसने ये हिस्सा ए और बी से लिया है, किस रेशो में, 2:1 में। ठीक है जी, ये हमारी चीजें हो जाती हैं। अब पहले तो इसको सॉल्व करना सीखो, देखो बहुत सिंपल है, जब भी कुछ भी इंफॉर्मेशन गिवन ना हो तो ऑलवेज एज्यूम टोटल शेयर 1, टोटल शेयर को क्या एज्यूम कर लो 1, लेट द टोटल शेयर इज 1, टोटल को 1 मान लो। अब इसमें से सी का हिस्सा हटा दो, सी का शेयर है 1:3, तो ए और बी का कितना होगा, ए और बी का कितना होगा जी, देखो अगर टोटल 1 है, ये था सी ने बोला इसके 3 हिस्से कर लो, 3 में से एक मेरा, सी ने बोला 3 में से एक मेरा, तो बाकी कितने बचे, 1-1/3, एलसीएम वगैरह ले लेना, 2 ही हिस्से बचेंगे। भाई जब 3 में से एक सी ले गया तो बाकी 2 किसके लिए बचे, ए और बी के लिए, हाँ या ना, सीधी सीधी सी बात है, ए और बी दो पार्टनर्स थे, सी आया 1:3 के लिए, इसने कहा जितना भी प्रॉफिट है उसके 3 हिस्से करना, 3 में से एक मेरा, तो बाकी कितने होंगे 2, वो 2 ए और बी के होंगे, राइट। अब ए और बी क्या करेंगे, ए और बी इस 2:3 को आपस में बांट लेंगे, 2:3 का कुछ पार्ट ए ले लेगा और 2:3 का कुछ पार्ट बी ले लेगा, ये कैसे बांटेंगे, अपनी रेशियो में, इनकी रेशियो कितनी थी, बराबर बराबर, हाफ हाफ, 1:1 इक्वल इक्वल, तो इक्वल इक्वल के लिए 1:2 ए ले लेगा, 1:2 बी ले लेगा, ठीक है, 2/6, 2/6, अब सी कितने के लिए आया था, सी आया था 1:3 के लिए। अब इस केस में आपको याद रखना है कि डिनोमिनेटर बराबर चाहिए, यहाँ पे भी 6 है, यहाँ पे भी 6 है, तो यहाँ पे भी 6 चाहिए, इसको 6 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दूं। अब देखो जब 2 से मल्टीप्लाई नीचे करोगे ना तो ऊपर भी होगा, ऊपर भी मल्टीप्लाई होगा, तो ये आ जाएगा 2/6, 2/6, 2/6, 2/6, यानी कि जो रेशो आ गया वो बन गया 2:2:2। जब डिनोमिनेटर इक्वल हो जाता है तो आप ऊपर वाला पार्ट लिख के उसको रेशो बोल सकते हो, 2:2:2, इसी को हम लोग बोलते हैं 1:1:1, ये आंसर हो गया। तो बहुत सिंपल है, मैंने क्या करा, जब इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है तो टोटल को 1 मानो, 1 में से सी का पार्ट हटाओ, जो बचा हुआ पार्ट है वो ए और बी अपनी रेशो में बांट लेंगे, बहुत सिंपल, ये सिंपल केस होता है। ये वाले केस में बहुत सारी वैरायटी होती है, इस केस में देयर इज अ लॉट ऑफ वैरायटी। देखो इसमें क्या हुआ, इसने बोला ए और बी दो पार्टनर्स हैं, रेशो था 1:1, यानी ए था 1:2, बी था 1:2, ठीक है, सी आया 1:3 के लिए। अब इसने ये जो 1:3 है विच ही टेक्स फ्रॉम ए एंड बी इन 2:1, ये इसने किससे लिया, ए और बी दोनों से 2:1 में, यानी कि इसने बोला किस किस को, ए को पहली बात फ्रॉम ए, और फिर बी को फ्रॉम बी, इसने बोला कि ये जो मेरा हिस्सा है ना, ये जो मेरा हिस्सा है इसका कुछ पार्ट किस रेशो में लिया, दोनों से 2:1 में, यानी कि ए से 3 में से 2 और बी से 3 में से 1, इसने बोला इसके 3 हिस्से कर लो, 2:3 आपसे और 1:3 आपसे, साफ साफ लिखा हुआ है, दोनों से लिया इतना इतना रेशो में, 2:1 में, तो इस शेयर को 2:1 में बांट दो, 2:3, 1:3, यहां पे आ जाएगा 2/9, 2/9 तो लिया ए से, और यहां पे आ जाएगा 1/9, ये लिया बी से, तो 2/9 फ्रॉम ए एंड 1/9 फ्रॉम बी। अब देखो ए से कितना ले लिया इसने, 2/9, ये माइनस कर देना, बी से कितना ले लिया इसने, 1/9, ये भी माइनस कर देना। देखो ए से ये लिया था 2/9, बी से लिया था 1/9, ठीक है,
बस अब दोनों में से माइनस कर दो, इनका नया हिस्सा आ जाएगा। ए ने अपने में से ये दिया, बी ने अपने में से ये दिया, तो ए के पास क्या बचा, एलसीएम ले लो 18, एलसीएम ले लो 18, बेसिकली 9-4, 9-2, और इसका तो 1/3 है ही। ये आप प्लीज नोट डाउन कर लेना, मैं हटा रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लेना, मैं हटा रहा हूँ, ठीक है। अच्छा अब देखो क्या है जी, 9-4 5/18 तो ए का हो गया, 7/18 इसके पास हो गया, और इसका भी ये 1/3 है, ये भी 18 है, ये भी 18 है, तो इसको भी 18 बनाना पड़ेगा, तो 3 को किससे मल्टीप्लाई करेगी, 18 बन जाए 6 से, 6/18 ये हो गया, तो जो नया रेशो हो गया वो हो गया 5:7:6, ये हमारा न्यू रेशो आ गया 5:7:6। तो इस तरीके से हम रेशोज निकालते हैं। रेशोज में क्या करना होता है, आपको पता होना चाहिए बस कि जब इंफॉर्मेशन गिवन है तो क्या करना है, इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है तो क्या करना है, ठीक है। अगर गिवन नहीं है फिर तो बहुत सिंपल, 1 एज्यूम करके उसका एक हिस्सा निकाल के बाकी का काम कर दो, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होता है, जब इंफॉर्मेशन गिवन हो तो जैसी जैसी इंफॉर्मेशन है, जैसे जैसे क्वेश्चन बोलता जाएगा वैसे वैसे आपको करता जाना है, ठीक है जी। इस तरीके से हमारे पास रेशोज के क्वेश्चंस होते हैं। रेशोज की आपको बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और रेशोज के कुछ एडवांस क्वेश्चंस भी मैंने पहले कराए हुए हैं, प्रीवियस ईयर में मैंने कराए थे, मतलब साल के शुरू में ही मैंने कराए थे, तो वो क्वेश्चंस आपको बहुत ध्यान से देखने ही होंगे, बहुत ध्यान से देखने होंगे। रेशो के प्रैक्टिस क्वेश्चंस के लिए मैं क्लिप्स इसी वीडियो में ऐड कर रहा हूँ, सो दैट आपकी प्रैक्टिस हो पाए, वो भी आप साथ साथ देख के चलो, आपके सारे क्वेश्चंस कवर अप हो जाएंगे। मैं इसी में ऐड कर दूंगा इस पार्ट के बाद, और फिर हम शुरू करते हैं द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स। एडमिशन ऑफ अ पार्टनर का मतलब क्या होता है, कि एक नया पार्टनर आपके पास फर्म में आ रहा है। अब जब नया पार्टनर आएगा तो देखो, पुराने वाले पार्टनर्स को तो ऑब्वियसली नुकसान होगा। कैसे नुकसान होगा भाई, फॉर एग्जांपल पहले वो 90 रुपीज़ अर्न करते थे और दो पार्टनर्स थे ए और बी, तो दोनों में ये 90 बढ़ जाता था 45-45। अब इन केस एक तीसरा और आ जाए तो भाई अब ये 90 तीनों में बटेगा, तो इनका कुछ हिस्सा माइनस होगा ना इनमें से, क्योंकि इनको तो अब कम मिलेगा, क्योंकि अब देखो अगर 90 तीनों में बटेगा तो कितना कितना 30-30-30, तो भाई साहब को 15 छोड़ने पड़े और 15 इनको भी छोड़ने पड़े, तो ही तो इसके 30 बने। तो जब भी नया पार्टनर आता है तो पुराने पार्टनर्स का नुकसान तो भाई होता है, परेशान तो होते हैं, बल्कि नुकसान के साथ साथ कुछ फायदा भी होता है। फायदा क्या होता है भाई, अगर नया पार्टनर आएगा तो पैसा तो लेके आएगा, कैपिटल भी तो लगाएगा, अपने साथ साथ अपनी गुडविल भी लेके आएगा, अपनी एक हार्डवर्किंग स्किल्स भी लेके आएगा, बहुत बेनिफिट भी होंगे, प्रॉफिट का तो लॉस होगा डेफिनेटली, लेकिन फायदा भी होगा, इसीलिए तो एडमिशन होता है, इसीलिए तो पार्टनरशिप चलती है। तो ये सारी चीजें इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं। मेन जो मुझे टॉपिक्स बताने हैं अकाउंटिंग में, आपको अकाउंटिंग में क्या क्या पढ़ना है, सबसे पहले आपको सीखना है कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशो एंड सैक्रिफाइजिंग रेशो। सैक्रिफाइजिंग तो आपको निकालना आता ही है, ओल्ड माइनस न्यू, लेकिन अभी तक क्या होता था, आपको ओल्ड और न्यू दोनों गिवन होते थे, अब आपको क्या गिवन होगा, सिर्फ ओल्ड, न्यू आपको खुद निकालना होगा, फिर निकलेगा सैक्रिफाइजिंग, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, नंबर टू हम लोग पढ़ेंगे कैलकुलेशन ऑफ गुडविल एंड इट्स ट्रीटमेंट। गुडविल का कैलकुलेशन आपने ऑल्दो चैप्टर नंबर सेकंड में पढ़ लिया है, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में मैंने आपको सिखाया, तो कैसे कैलकुलेट होती है वो आपको पता होना चाहिए, और उसके साथ साथ उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा। नंबर थ्री, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस, ये ट्रीटमेंट कैसे होता है एडमिशन में, ये सीखना है। नंबर फोर, रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज, इसमें रीवैल्यूएशन कैसे होता है। और लास्ट होता है हमारे पास कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस। लास्ट क्या होता है हमारे पास, कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस, जो कि 8 मार्क्स के आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। तो मेनली हम लोग को इस चैप्टर में ये 5 टॉपिक्स कवर करने हैं, न्यू पीएसआर, गुडविल, रिजर्व्स, रिवैल्यूएशन और बड़े क्वेश्चंस। ये 5 टॉपिक हैं जो आपको इस चैप्टर में सीखने हैं। आज का जो मेरा फोकस रहने वाला है वो रहेगा इस टॉपिक पे, पहला वाला, कैलकुलेशन ऑफ
न्यू रेशो एंड सेक्रीफाइसिंग रेशो, दो दिन हम लोग यही पढ़ेंगे, आज भी और कल भी दो दिन आपको यही पढ़ाऊंगा ताकि हमारे कॉन्सेप्ट बढ़िया हो पाए इस पे। चलो जी शुरू करते हैं, हेडिंग डाल लो मेरे साथ साथ जल्दी से, कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। हेडिंग डालेंगे कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। अच्छा अब इसमें दो केसेस बना लो जल्दी से, दो केसेस बना लो। देखो मैंने आप लोगों को क्या सिखाया कि अगर नया पार्टनर आएगा, भाई नया पार्टनर आएगा तो पुराने वाले पार्टनर्स को नुकसान होगा ही होगा, लॉस होगा ही होगा। तो उस सिचुएशन में एक केस बनता है व्हेन देयर इज नो इन्फॉर्मेशन अबाउट सेक्रीफाइस ऑफ पार्टनर्स। अगर सेक्रीफाइस ऑफ पार्टनर्स के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया हुआ तो क्या होगा? When complete information is given about sacrifice, जब सेक्रीफाइस के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन दिया होता है। दोनों के ही क्वेश्चंस बनते हैं, दोनों के ही एग्जांपल्स बनते हैं। ध्यान से देखो, सबसे पहले एग्जांपल लिख लो, ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन 3:2। प्रॉफिट्स और लॉस शेयर करते हैं 3:2 में। अब हुआ क्या, सी इज एडमिटेड एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/3 शेयर। सी आ गया 1/3 के लिए आ गया। कैलक्यूलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, ये आपके पास क्वेश्चन आ गया। अब ध्यान से सुनो, क्वेश्चन में क्या है, ए और बी दो पार्टनर्स हैं जिनका रेशो था 3:2। सी आया 1/3 के लिए आया, आपको कह रहा है न्यू रेशो निकाल के दिखाओ, क्वेश्चन खत्म हो गया। इसका मतलब क्वेश्चन ने हमें कहीं पे ये नहीं बताया कि सी ने ये जो 1/3 लिया, भाई किसका नुकसान हुआ, ए का हुआ बी का हुआ, दोनों का बराबर बराबर हुआ, कुछ तो इन्फॉर्मेशन देता, कोई इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है। तो ये किसका केस बनेगा, ये बनेगा एग्जाम्पल ऑफ दिस केस, पहला वाला केस। अब मैं अगर इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा एडिशन कर दूं कि ए और बी पार्टनर्स हैं, शेयर करते हैं प्रॉफिट्स और लॉसेस किस रेशो में, 3:2 में, सी आया 1/3 के लिए, यहां पे हम थोड़ा सा एडिशन कर देते हैं, विच ही एक्वायर्ड इक्वली फ्रॉम ए एंड बी। ये जो इसका 1/3 है ये इसने इक्वली लिया किससे, ए और बी से, दोनों से बराबर बराबर लिया। क्या अब इंफॉर्मेशन गिवन है, कंप्लीट इंफॉर्मेशन इज गिवन, तो अब ये कौन सा केस बन जाएगा, ये वाला। तो मुझे आपको यही मेन समझाना था कि अगर कंप्लीट इंफॉर्मेशन है तो कैसे कैलकुलेट होता है न्यू रेशो, नहीं है तो कैसे कैलकुलेट होता है न्यू रेशो। तो आपको सबसे पहले यही आइडेंटिफाई करना है कि क्वेश्चन कैसा है, क्या कंप्लीट इंफॉर्मेशन वाला है या इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन वाला है, समझे। अब सबसे पहले हम इनकम्प्लीट की बात करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं इनकम्प्लीट की। व्हेन देयर इज नो इन्फॉर्मेशन अबाउट सेक्रीफाइस, ऐसा क्वेश्चन आ गया तो हमेशा ध्यान रखना, ऑलवेज कैसे करोगे, यहां पे एक हिंट लिख लो, ऑलवेज एज्यूम टोटल शेयर एज 1 एंड देन सॉल्व, ये लिख लो एक हिंट। हमेशा इस केस में क्या करना है, टोटल शेयर को 1 एज्यूम करना है एंड देन सॉल्व, फिर सॉल्व करना है। ये कैसे होता है, क्या होता है, ये मैं सिखाऊंगा, फिलहाल ये लिख लो, ये हो गया। अब देखो हमें क्या करना है, हमने टोटल शेयर को 1 मानना है, अगर इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है तो टोटल को 1 मान लो, ठीक है। इसका सॉल्यूशन अगर करना हो तो कैसे करूंगा, मैं बोलूंगा लेट टोटल शेयर इज 1, टोटल शेयर 1 है, ठीक है। अब आप एक काम करो भाई, अगर टोटल शेयर 1 है, एक पार्टनर आया सी, सी ने टोटल में से 1/3 ले लिया, ए बी सी तीन पार्टनर्स हो गए ना, एडमिशनों के बाद तीन पार्टनर्स हो गए ए बी सी, सी आया सी ने 1/3 ले लिया, तो आप इसमें से सी का शेयर हटा दो, आप क्या निकालो,
आफ्टर सीज एडमिशन, सी के एडमिशन के बाद रिमेनिंग शेयर ऑफ ए एंड बी, ए और बी का रिमेनिंग शेयर कितना है। तो अगर मुझे रिमेनिंग निकालना हो तो भाई टोटल वन है, तीनों को टोटल मिला के कितना मिलता है, एक। वन में से वन थर्ड हटा दो तो कितना बचेगा, ये टू थर्ड बचेगा। भाई अगर टोटल वन है, सपोज टोटल 100 रुपए कमाते हैं, 100 में से वन थर्ड 33 सी के हुए, तो बचे हुए 67 किसके हुए, ए और बी के हुए या नहीं हुए। बस मैंने टोटल वन मान लिया, वन में से अगर वन थर्ड हटा दूं मैं सी के, तो ए और बी के कितने बचे, टू थर्ड बचा। ये ए और बी के लिए है या नहीं है, ए और बी के लिए है। तो भाई ए और बी कैसे बांटते हैं इसको, ए और बी का क्या रेशो है, ए और बी आपस में शेयर करते हैं 3:2 में। तो ए का नया शेयर हो कितना गया और बी का नया शेयर कितना हो गया, भाई ए और बी दोनों को मिला के, इन दोनों को मिला के कितना मिलेगा, ये टू थर्ड मिलेगा। दोनों को मिला के कितना मिलेगा, ये टू थर्ड। तो इस टू थर्ड को इन्होंने आपस में बांटना है, आपस में बांटेंगे तो अपनी रेशो में। तो देखो ए का न्यू शेयर कितना होगा, इस टू थर्ड का उसका रेशो क्या है, रेशो है इनका 3:2। तो इस टू थर्ड का 3/5, 3:2 का मतलब 3/5, ये तो ए ले गया, और इसी टू थर्ड का 2/5 ये बी ले गया। इस बात को ध्यान रखना। सिंपली मैंने क्या करा, मैंने कहा टोटल वन है, वन में से सी का पार्ट हटाओ, 1-1/3 ये बचा हुआ टू थर्ड ए और बी के लिए, ए और बी अपनी रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो टू थर्ड का 3/5, क्योंकि 3:2 है ना, ये ए के पास, और टू थर्ड का 2/5 बी के पास। देखो जरा कितना आएगा, 6/15 तो ए के पास हो गया, 4/15 ये बी के पास हो गया। अब देखो हमें पता चल गया कि ए के पास है 6/15, बी के पास है 4/15, लेकिन हमें न्यू रेशो कभी भी ए और बी की नहीं बतानी, हमें न्यू रेशो बतानी है ए बी सी तीनों की। तो आप देखो सी के पास कितना है, भाई ए के पास 6/15, बी के पास 4/15, सी के पास है 1/3। सी के पास कितना है, ये 1/3। सबसे पहले सी का ही तो हटाया था। तो अब आपको क्या करना है, आपको तीनों का डिनोमिनेटर इक्वल करना है। डिनोमिनेटर तीनों का कैसे रखना है, इक्वल। तो देखो जब इक्वल करूंगा तो ये भी 15 है, ये भी 15 है, 3 को 15 कैसे बनाएं, 5 से मल्टीप्लाई कर दो, और ध्यान रखना मल्टीप्लाई ऊपर नीचे होगा, दोनों जगह ऊपर भी नीचे भी। तो मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आ जाएगा 5/15, ये कितना आ जाएगा 5/15। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है देखो कि अगर टोटल 15 हिस्से हुए, नीचे 15 है ना तीनों में, अगर टोटल 15 पार्ट हुए तो 6 ए के होंगे, 4 बी के होंगे, और फिफ्थ पार्ट सी का होगा। ठीक हो गया, आपने जब डिनोमिनेटर इक्वल कर दिया तो ये आ गया 6/15 रेशो 4/15 रेशो 5/15। अगर इसको लिखना हो तो आप कैसे लिख सकते हो, 6:4:5। डिनोमिनेटर इक्वल करने के बाद इसको आप हटा सकते हो, 6, 4, 5 ऐसे लिख सकते हो, दिस विल बी योर आंसर। न्यू रेशो कैलकुलेट करना आया, बस ये ध्यान रखना है कि अगर इन्फॉर्मेशन कंप्लीट नहीं है तो टोटल को वन मान लो, वन मानने के बाद बस वन में से जो नया पार्टनर है उसका शेयर हटाओ, उसका शेयर हटा के बस आपको फिर बचा हुआ पार्ट इन दोनों में बांटना है। सही हो गया, इसका स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, नोट डाउन हो गया होगा। अब मैं कराता हूं आपको ये वाला पार्ट, देखो इसी क्वेश्चन में आपका ये वाला पार्ट, फिर दोनों में आपको डिफरेंस समझ में आएगा। अब मैंने क्या बोला, मैंने इसी में ऐड करा ए और बी दो पार्टनर्स थे, शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:2, सी आया 1/3 के लिए, आगे हमने लिख दिया विच ही एक्वायर्ड From A and B equally, जो उसने A और B से लिया, कैसे लिया, equally means बराबर बराबर। तो अब तो बहुत आसान हो गया। देखो मुझे एक बात बताओ, अब यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि भाई C आया कितने के लिए, आया 1/3 के लिए, जो उसने बराबर बराबर लिया A और B से। तो अब तो आपको कुछ एज्यूम करने की जरूरत नहीं है, यहाँ आपको कुछ एज्यूम नहीं करना, सिंपल A का न्यू शेयर निकल जाएगा डायरेक्टली। सॉल्यूशन करेंगे, ए का न्यू शेयर, बी का न्यू शेयर, और सीधा सीधा सी का न्यू शेयर, सी का तो न्यू ही है।
अब देखो आप सबसे पहले ये देखो कि ए के पास कितना था और बी के पास कितना था। भाई ए के पास था 3/5, 3:2 है ना इनका, और बी के पास था 2/5, ये इनका रेशो था 3/5 2/5। सी आया कितने के लिए, 1/3 के लिए। सी 1/3 के लिए आ गया, इसने ये 1/3 ए और बी से इक्वल इक्वल लिया है, बराबर बराबर। अगर बराबर बराबर लिया, अगर बराबर बराबर लिया तो ए का सेक्रीफाइस कितना है और बी का सेक्रीफाइस कितना है, देखो 1/3 का हाफ तो ए से लिया होगा, क्योंकि ये 1/3 जो इसने लिया ये दोनों से बराबर बराबर लिया ना, हाफ हाफ यहां लिखा हुआ है, विच ही एक्वायर्ड फ्रॉम ए एंड बी इक्वली। तो 1/3 इसका शेयर था, इसका हाफ तो इसने ए से लिया होगा और इसी 1/3 का हाफ किससे लिया होगा, बी से। तो इसका मतलब ए ने कितना सेक्रीफाइस करा, 1/6, और बी ने भी कितना सेक्रीफाइस करा, 1/6। तो अगर ए ने अपने शेयर में से 1/6 सी को दे दिया तो वो माइनस कर दूं, सिमिलरली बी ने भी अपने शेयर में से 1/6 सी को दे दिया तो वो भी माइनस कर दो। अब क्या करना है, बस सीधा सीधा एलसीएम निकालना है। एलसीएम आ गया 30, यहां पे भी एलसीएम आ गया 30, तो 18 - 5 12 - 5। और अब ध्यान रखेंगे कितना बचा ए के पास, भाई ए ने अपने शेयर में से 1/6 दे दिया तो 18 - 5 कितना बचेगा, 13 13/30, यहाँ पे 12 - 5 तो यहाँ बचेगा 7/30। और इसको भी 30 बनाना है, इसको भी क्या बनाना है, अब आपने 30 बनाना है क्योंकि डिनोमिनेटर इक्वल करना है ना, यहाँ भी 30 यहाँ भी 30 इसको भी 30 बना दो, तो 10 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 30 बन जाएगा 10/30। तो देखो अब डिनोमिनेटर इक्वल करके ए के पास बचा 13/30, बी का न्यू शेयर हो गया 7/30 और सी का 10/30। अब देखो 10/30 की अगर कटिंग करोगे तो 1/3 आ जाता है, लेकिन कटिंग मत करना क्योंकि डिनोमिनेटर इक्वल रखना है। तो यहाँ पे हमारा जो न्यू रेशो आ रहा है वो आ रहा है 13:7:10। दिस इज योर आंसर, एज सिंपल एज दैट। केसेस को पकड़ो, बस केस का ध्यान रखना है। मैंने क्या बोला, सबसे पहले एज्यूम कर लो, देख लो, चेक कर लो कि क्या कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है। अगर कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है तो कुछ एज्यूम नहीं करना, सीधा सीधा प्लस माइनस कर दो। लेकिन अगर कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं है, कुछ भी गिवन नहीं है, तो आपको 1 एज्यूम करके करना है। ठीक हो गया, एक क्वेश्चन और कराता हूँ, बढ़िया। ये अब मैं हटा रहा हूँ, आपने सब नोट डाउन कर लिया, स्क्रीनशॉट ले लो। अब करते हैं हम लोग कुछ और क्वेश्चंस। कुछ क्वेश्चंस और करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ऐसा लिख लो क्वेश्चन, एक एग्जाम्पल लिख लेते हैं। ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस, शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन रेशो 3:2, इन 3:2 सी इज एडमिटेड, नया पार्टनर सी आ गया, सी इज एडमिटेड फॉर 1/5 शेयर, फॉर 1/5 शेयर, 1/5 के लिए आ गया। कैलक्यूलेट न्यू रेशो, ये तो हो गया पहला पार्ट, इसको मैंने क्या बना दिया, फर्स्ट पार्ट, कैलकुलेट न्यू रेशो फर्स्ट पार्ट। बी पार्ट बनाते हैं, पहले सब कुछ सेम रखना है, यहां तक सेम है। और बी पार्ट में आगे लिखो, सी गेट्स इट इक्वली फ्रॉम ए एंड बी, सी गेट्स हिज शेयर इक्वली फ्रॉम ए एंड बी, उसने ए और बी से इक्वली लिया। एक पार्ट और बना देंगे, सी गेट्स हिज शेयर फ्रॉम ए एंड बी, सी गेट्स हिज शेयर फ्रॉम ए एंड बी इन 2:1, इन 2:1। अब देखो, अब बनाइए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हमारे को तीन केसेस सॉल्व करने हैं, तो मैं तीनों के लिए यहां पे लिखूंगा केस 1 का सॉल्यूशन, यहां लिखूंगा केस 2 का सॉल्यूशन और यहां लिखूंगा केस 3, केस 1, केस 2, केस 3। यहां से आपको एकदम क्लैरिटी मिलेगी। देखो जरा, ए और बी दो पार्टनर्स हैं, रेशो है 3:2,
पहला केस बोल रहा है सी आया 1/5 के लिए, बात खत्म। सी 1/5 के लिए आया, बात खत्म। अब सोचो क्या ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन है? नहीं, कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं है। तो टोटल क्या करना पड़ेगा? अज्यूम 1। तो मैं क्या करूंगा, मैं बोलूंगा लेट टोटल शेयर इज इक्वल टू 1। फिर मैं रिमेनिंग शेयर निकालूंगा बचा हुआ ए और बी के लिए, तो 1 में से 1/5। इस बार सी कितने के लिए आया था? 1/5 के लिए, तो 1 में से 1/5 हटा दो। सबसे पहले किसका पार्ट हटा दिया करो, जो नया पार्टनर है उसका पार्ट हटा दो। तो ए और बी के लिए कितना बचा? ए और बी के लिए बचा 4/5, 4/5 बचा। तो ये ए और बी आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, अपने आप में बांट लेंगे। तो ए को कितना मिलेगा? ए का न्यू शेयर। बी को कितना मिलेगा? बी का न्यू शेयर और सी का न्यू शेयर। देखो अब ए और बी को तो आपस में ये 4/5 बांटना है, ये 4/5 डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अपनी रेशियो में। और सी कितने के लिए आया था? 1/5 के लिए। तो ए और बी इस 4/5 को बांटेंगे अपनी रेशियो में। इनका रेशियो है 3:2, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 है। तो 4/5 का 3/5 तो ए ले जाएगा और 2/5 बी ले जाएगा। तो हमारे पास यहाँ आएगा 12/25, ये आएगा 8/25। इसको भी 25 बनाना है क्योंकि ये भी 25, ये भी 25। तो 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 5/25। अब देखो सेम आ गया नीचे, तो रेशियो आ गया 12:8:5। दिस इज योर फर्स्ट पार्ट आंसर, 12:8:5। क्लियर हुआ? अब कराता हूँ बी पार्ट, ध्यान से समझो। इस बार क्या है कि ए और बी पार्टनर्स हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2, सी आया 1/5 के लिए, लेकिन साफ साफ लिखा हुआ है सी ने अपना शेयर लिया ए और बी से बराबर बराबर, ए और बी से इक्वली लिया। कंप्लीट इंफॉर्मेशन क्वेश्चन, तो इस बार हमें एज्यूम नहीं करना कुछ भी, कुछ भी एज्यूम नहीं करना। सीधा सीधा क्या निकालना है? सीधा सीधा न्यू शेयर, ए का न्यू शेयर, बी का न्यू शेयर, सी का न्यू शेयर। ए के पास पहले कितना था? 3/5, बी के पास था 2/5, और सी का न्यू शेयर हम लोगों को पता ही है, सी का तो न्यू शेयर ही है 1/5। अब देखो कैलकुलेट करने से पहले आप वर्किंग नोट्स में सेक्रीफाइस कैलकुलेट कर लेना, किस किस ने कितना कितना सेक्रीफाइस करा है। तो ए ने सेक्रीफाइस करा है और बी ने सेक्रीफाइस करा है। देखो ए ने कितना सेक्रीफाइस करा है, साफ साफ लिखा था कि सी ने अपना शेयर ए और बी से लिया बराबर बराबर। सी ने अपना शेयर ए और बी से कैसे लिया है? बराबर बराबर, इक्वल इक्वल। तो यानी 1/5 का हाफ तो ए से लिया होगा और 1/5 का हाफ किससे लिया होगा? बी से, क्योंकि इक्वल इक्वल लिया है ना। तो ए और बी से कितना कितना, ए ने सेक्रीफाइस करा 1/10, बी ने भी सेक्रीफाइस करा 1/10। 1/5 का हाफ कितना होता है? 1/10, ठीक है। तो 1/10 यहां से माइनस कर दो क्योंकि इसने सी को दे दिया, और 1/10 यहां से माइनस कर दो, इसने भी सी को दे दिया। एलसीएम 10 लेके 6-1 4-1, हमारे पास 6-1 इज 5/10, दिस इज 3/10। अब इसको भी 10 बनाना है तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे 10 बनाने के लिए, दिस इज 2/10। तो न्यू रेशो आ गया 5:3:2, दिस इज योर आंसर। समझे? वी आर कैलकुलेटिंग न्यू रेशो करंटली, ठीक हो गया। अच्छा लास्ट केस करते हैं। अब इस बार सी ने अपना शेयर लिया ए और बी से 2:1 में, इस बार स्पेसिफाइड रेशो में लिया, ठीक है कोई बात नहीं। तो हम लोग फिर से करेंगे, ए का न्यू शेयर कितना, बी का न्यू शेयर कितना। देखो जरा, ए के पास पहले था 3/5, इसके पास था 2/5, और सी का न्यू शेयर तो आपको पता ही है 1/5। फिर से वर्किंग नोट में क्या कैलकुलेट कर लो, ए का सेक्रीफाइस और बी का सेक्रीफाइस, क्योंकि सेक्रीफाइस दोनों कर रहे हैं। मुझे कैसे पता लगा दोनों सेक्रीफाइस कर रहे हैं? क्वेश्चन में बोला है कि सी ने अपना शेयर लिया ए और बी से 2:1 में, 2:1 में लिया इस बार, तो ठीक है सी का शेयर है 1/5, इसने दोनों से, इन दोनों से लिया किस रेशो में, 2:1 में। तो 1/5 का 2/3 तो ए से लिया और 1/5 का 1/3 बी से लिया। साफ साफ लिखा हुआ है ना कि उसने अपना शेयर 2:1 में लिया, तो अपने शेयर का 2/3 ए से और 1/3 बी से। तो कितना कितना सेक्रीफाइस हुआ, 2/15, 1/15, ये इनका सेक्रीफाइस है।
यहाँ से हटाया 2/15, यहाँ से हटाया 1/15, तो एलसीएम 15 लेके 9-2, और इधर भी 15 एलसीएम लेके 6-1। अब ये भी 15, ये भी 15, इसको भी 15 बना दो, तो ये तो आ रहा है 3/15। सी का कितना आ रहा है? 3/15। ए का न्यू शेयर 9-2/15 अगर मैं करता हूँ, तो मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ, 9-2/15 करता हूँ तो 7/15, बी का 6-1/15 तो 5/15, और सी का 3/15, तो रेशो आ गया 7:5:3। दिस विल बी योर आंसर। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, वो है ऑन 1 अप्रैल 2010 साहिल एंड चारू एंटर इनटू पार्टनरशिप फॉर शेयरिंग फ्यूचर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशो 4:3। दो पार्टनर्स हैं, एक है साहिल, एक है चारू, इनका रेशो है 4:3। आगे लिखा हुआ है दे एडमिटेड तनु एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/5 शेयर। तनु को लेके आ गए, दे एडमिटेड तनु एज अ पार्टनर फॉर 1/5 शेयर, 1/5 के लिए आई तनु। उसके बाद विच शी एक्वायर्ड इक्वली फ्रॉम साहिल एंड चारू, विच शी एक्वायर्ड, लिख रहा हूं यहां पे, विच शी एक्वायर्ड इक्वली फ्रॉम साहिल एंड चारू। इसने अपना शेयर साहिल और चारू से इक्वल लिया, ठीक है। आगे लिखा हुआ है साहिल चारू एंड तनु, इन तीनों, अब तीन पार्टनर हो गए साहिल चारू एंड तनु, अर्नड अ वेरी गुड प्रॉफिट्स, उन्होंने बहुत अच्छा प्रॉफिट कमाया, देयरफॉर दे डिसाइडेड टू एक्सपेंड देयर बिजनेस, उन्होंने कहा कि हम बिजनेस को और एक्सपेंड करना चाहते हैं, they decided to expand their business, उन्होंने कहा बिजनेस को एक्सपेंड करेंगे, टू मीट द रिक्वायरमेंट्स, कैपिटल रिक्वायरमेंट्स, पैसे की जरूरत पड़ेगी एक्सपेंशन करोगे तो, दे डिसाइडेड टू एडमिट पुनीत, एक और पार्टनर आ गया, यानी एक ही क्वेश्चन में दो एडमिशंस, दे डिसाइडेड टू एडमिट पुनीत, अब एक नया पार्टनर आ रहा है पुनीत, ठीक है। फॉर 1/7 शेयर विच ही एक्वायर्ड फ्रॉम साहिल एंड चारू, फॉर 1/7 शेयर विच ही एक्वायर्ड फ्रॉम, जो इसने एक्वायर करा है किससे, साहिल एंड चारू, ये भी साहिल और चारू से ही लिया, इन 7:3। आपको कैलकुलेट करना है न्यू रेशो ऑफ ऑल द 4 पार्टनर्स, नया रेशो सभी 4 पार्टनर्स का। तो देखो क्वेश्चन क्या है, एक बार और देख लो, दो पार्टनर्स थे साहिल और चारू, सबसे पहले तनु आई 1/5 के लिए, जो उसने लिया इक्वली फ्रॉम साहिल एंड चारू। जब भी ऐसा क्वेश्चन हो कि एक से ज्यादा एडमिशन हो, तो पहले आप एक पार्टनर का काम कर लो, यानी इस क्वेश्चन को पहले हम यहां तक सॉल्व करेंगे, उसके बाद आगे देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले यहां तक करते हैं, तो देखो साहिल और चारू दो पार्टनर्स थे 4:3, तो हमारे पास साहिल का जो शेयर था वो 4/7 था, और चारू का जो शेयर था वो 3/7 था, ठीक है। तनु को लेके आए 1/5 के लिए, तनु न्यू पार्टनर है, तनु शेयर, तनु आई 1/5 के लिए, विच शी एक्वायर्ड इक्वली फ्रॉम साहिल एंड चारू, उसने इन दोनों से बराबर बराबर लिया। अगर बराबर बराबर लिया तो हम लोग बोलेंगे साहिल का सेक्रीफाइस कितना और चारू का सेक्रीफाइस कितना, पूरा फुल फॉर्म में लिखना, इसका शेयर इसने दोनों से बराबर बराबर लिया, यानी साहिल ने दिया होगा इसके शेयर का हाफ और चारू ने भी दिया होगा इसके शेयर का हाफ, क्योंकि इसने बराबर बराबर लिया हाफ हाफ, तो 1/5 का हाफ कितना, 1/10, 1/10 इन दोनों से, तो साहिल का शेयर बचा कितना, 4/7 में से 1/10 हटा दो, इसने भी 1/10 इसको दे दिया, क्योंकि दोनों ने इतना इतना इसको दिया है, तो हटाओ, एलसीएम कितना 70 ले लो बस, 40-7, और इधर 30-7, इसको भी हमने 70 बनाना है, तो अल्टीमेटली किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 14 से, तो देखो जरा 40-7 कितना बैठेगा, 33/70, ये बैठेगा 30-7, 23/70,
और ये बैठेगा 14/70 आई गेस, ठीक है। तो रेशो अल्टीमेटली इन तीनों का कितना निकल के आया, इन तीनों का रेशो निकल के आ गया 33:23:14, ठीक हुआ। ये हमारे पास सबसे पहले तीन पार्टनर्स का निकल आया, साहिल, चारू और तनु, ये तीन पार्टनर्स का रेशो निकल आया। अब क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन बोल रहा है दे डिसाइडेड टू एक्सपेंड द बिजनेस, क्योंकि उन्होंने बढ़िया पैसा कमाया था, उन्होंने कहा वो और एक्सपेंड करते हैं। एक्सपेंशन के लिए एक नया पार्टनर हो रहा है पुनीत, ये कितने के लिए आए भाई साहब, 1/7 के लिए, 1/7 के लिए, विच ही एक्वायर्ड, जो उसने एक्वायर करा है साहिल और चारू से 7:3 में, साहिल और चारू से 7:3 में। सबसे पहले यहां तक नोट कर लो। अब मैं क्वेश्चन को आगे लेके जा रहा हूँ, क्वेश्चन अब एक नई डायरेक्शन में चलेगा। देखो अब मैं ये हटा रहा हूँ, स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, ये हटा रहा हूँ। अब क्या हुआ, अब साहिल, चारू और तनु की न्यू रेशो लिख लो। सबसे पहले साहिल शेयर 33/70, चारू का शेयर 23/70, तनु का शेयर 14/70। अब नया पार्टनर आया है पुनीत, पुनीत का शेयर है 1/7, पुनीत का शेयर कितना है 1/7। ये पुनीत ने अपना शेयर किससे लिया, कैसे लिया, देखो क्वेश्चन में साफ साफ लिखा हुआ है पुनीत का शेयर है 1/7 जो उसने लिया, विच ही एक्वायर्ड फ्रॉम साहिल एंड चारू, फिर से साहिल और चारू से, तो फिर से इन दोनों का सेक्रीफाइस है, साहिल का सेक्रीफाइस और चारू का सेक्रीफाइस 7:3 में, किस रेशो में, 7:3 में। तो 1/7 इसका शेयर है, इन दोनों ने दिया कितना कितना इस शेयर को 7:3 में, तो 1/7 का 7/10 तो साहिल ने और 3/10 चारू ने, यानी कि 7/70 का सेक्रीफाइस साहिल का है और 3/70 का सेक्रीफाइस चारू का है, ठीक है। अब देखो जितना इतना सेक्रीफाइस करा माइनस कर दो, 7/70, 3/70, इसने कुछ नहीं करा, इसको कोई फर्क नहीं पड़ा, इसका सेम रहेगा और पुनीत का तो ये न्यू ही है। तो अल्टीमेटली यहाँ पे 70 लेके 33-7, 26 बचेगा इसके पास, इसके पास बचेगा 20/70, एलसीएम 70 आ जाएगा ना, ये हमारा 14/70 ही है, इसको 70 बनाओ तो 10 से मल्टीप्लाई कर दो, ये आ जाएगा 10/70। तो देखो ये न्यू रेशो कितना आ गया हमारे पास, 26:20:14:10, ये हमारा न्यू रेशो आ जाता है। आप चाहो तो इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो, कटिंग कर सकते हो, 13:10:7:5, मैंने 2 से कटिंग कर दी, 2 × 13 = 26, 2 × 10 = 20, 2 × 7 = 14, 2 × 5 = 10, सीधा सीधा कटिंग ध्यान रखना तभी होती है अगर चारों कट रहे हो, अगर दो कट रहे हैं फिर नहीं चलेगा कहीं, वहाँ कटिंग कराओ, अरे कटिंग देखते ही कई बच्चे जज्बाती हो जाते हैं, नहीं अगर चारों कट हो रहे हैं तो ही करना है, ठीक हो गया। ये हमारे पास CBSE बोर्ड में आया हुआ सवाल है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने आपको कराया, इसको जल्दी से नोट डाउन करो, स्क्रीनशॉट लो, एक क्वेश्चन और करा रहा हूँ, हो गया हो गया। अब चलता हूँ आगे, अब दो क्वेश्चन और कराऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आज वाला वीडियो में मैं जितने भी क्वेश्चंस करा रहा हूं आपको, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन लिखेंगे अनिल एंड सुनील आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशो 3:2, अनिल एंड सुनील आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशो 3:2, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, अनिल सुनील दो पार्टनर्स हैं, रेशो है 3:2, दे एडमिट चरण एज अ न्यू पार्टनर, चरण, चरण को लेके आए, दे एडमिट चरण, ऐसे लिख लो, चरण वॉज एडमिटेड, चरण आ गया एज अ न्यू पार्टनर, कितने के लिए आया ये क्वेश्चन नहीं बता रहा, कितने के लिए आया क्वेश्चन नहीं बता रहा, बस लिखा हुआ है चरण वॉज एडमिटेड एज अ न्यू पार्टनर। आगे क्या लिखा हुआ है, अनिल गिव्स 1/3 ऑफ हिज शेयर व्हाइल सुनील गिव्स 1/10 फ्रॉम हिज शेयर, अनिल गिव्स 1/3 ऑफ हिज शेयर व्हाइल सुनील गिव्स, सुनील ने दिया 1/10 फ्रॉम हिज शेयर टू चरण, 1/10 फ्रॉम हिज शेयर टू चरण, कैलकुलेट
न्यू रेशोज, न्यू रेशो कैलकुलेट करना है। अब ध्यान से देखो जरा क्वेश्चन, इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, सीबीएसई में ऐसा क्वेश्चन आता है। क्या लिखा है? अनिल और सुनील दो पार्टनर्स हैं, रेशो है 3:2, चरण को लेके आए। बस क्वेश्चन इतना लग बोल के साइलेंट हो गया, चरण कितने के लिए आया हमें नहीं पता। क्वेश्चन ने बताया क्या है, क्वेश्चन बोल रहा है अनिल ने सेक्रीफाइस करा, गिव का मतलब सेक्रीफाइस करा, 1/3 ऑफ हिज शेयर, अपने शेयर का, ऑफ का मतलब क्या होता है का, अपने शेयर का 1/3, व्हाइल सुनील गिव्स 1/10 फ्रॉम हिज शेयर, अपने शेयर में से। बात समझे? जैसे मैं ये कहूं कि मेरे पास 100 रुपीज है, मैंने आपको 100 का 50% दिया, 1/2 ऑफ माई शेयर। समझ रहे हो ऑफ कब होता है? जब मेरे शेयर का, ठीक है? तो जब भी ऑफ वर्ड आए तो ध्यान रखना मल्टीप्लाई करके निकलेगा। जैसे मेरे पास 100 रुपीज है, मेरे पास 100 रुपीज है और मैंने कहा हाफ ऑफ माई शेयर, तो हाफ ऑफ माई शेयर का मतलब क्या है? 100 का हाफ कितना? 50 मैंने आपको दिया, दिस इज अ सेक्रीफाइस, 50 मैंने आपको दिया। और मैं कह रहा हूं 20 फ्रॉम माई शेयर या 1/5 फ्रॉम माई शेयर, अगर मैं 1/5 फ्रॉम माई शेयर कह रहा हूं तो भाई पहले 1/5 बताओ तो। फ्रॉम का मतलब होता है डायरेक्ट माइनस, 20 फ्रॉम माई शेयर, तो मैं यहां से 20 माइनस करूंगा 80 बचेगा। ध्यान रखना यहां पे ये जो वैल्यू बचा ये मेरा न्यू शेयर नहीं है, ये सेक्रीफाइस है। मैंने क्या बोला? हाफ ऑफ माय शेयर मैंने दे दिया, मैंने दे दिया तो हाफ मेरे शेयर का 50, ये मेरा सेक्रीफाइस है, ये मैंने दिया है। और मैं कह रहा हूँ 20 फ्रॉम माय शेयर, अगर मैंने 20 दे दिया तो 20 माइनस करके ये न्यू शेयर है। बात समझे? तो आपको क्या करना है, जब भी ऑफ लिखा हो तो पहले मल्टीप्लाई होगा उसके बाद माइनस होगा, पहले मल्टीप्लाई फिर माइनस। मल्टीप्लाई से क्या निकलता है? सबसे पहले सेक्रीफाइस निकलता है, फिर माइनस करके क्या निकलता है? न्यू शेयर। और अगर फ्रॉम वर्ड है, जैसे यहां पे लिखा हुआ है 1/10 फ्रॉम हिज शेयर, फ्रॉम का मतलब सीधा सीधा माइनस कर दो और माइनस करके क्या निकल जाएगा? न्यू शेयर। ये इंपॉर्टेंट है, लैंग्वेज को ध्यान से पढ़ना, यहां गलती हो जाती है। अगर ऑफ है तो ऑफ का मतलब पहले सेक्रीफाइस निकलेगा फिर न्यू शेयर निकलेगा, फ्रॉम का मतलब सीधा माइनस। देखो अब क्वेश्चन समझ में आएगा आपको, मैं क्या बोल रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि अनिल और सुनील, अनिल शेयर और सुनील का शेयर, अनिल के पास है 3/5, सुनील के पास है 2/5। अब आया चरण, चरण कितने के लिए आया अभी नहीं पता। आगे लिखा हुआ है अनिल ने दिया 1/3 ऑफ हिज शेयर, अपने शेयर का, तो इसका मतलब सेक्रीफाइस कितना करा? मैं बोलूंगा अनिल का सेक्रीफाइस, उसने कहा अपने शेयर का 1/3, अनिल का शेयर है 3/5, अनिल का शेयर कितना है 3/5, इस 3/5 का 1/3 ये इसने सेक्रीफाइस कर दिया। कितना सेक्रीफाइस करा? 3/15, पहले मैंने मल्टीप्लाई करके सेक्रीफाइस निकाल लिया। अब मुझे बताओ उसके पास बचा कितना? अगर इसने 3/5 दे दिया चरण को तो यहां से 3/15 माइनस कर दो, ये किसको मिला? 3/15 चरण को, यहां इसके पास 3/15 आ गया। किससे आया ये? फ्रॉम अनिल। बात समझे? अनिल ने दिया 1/3 ऑफ हिज शेयर, अपने शेयर का इतना पार्ट, तो उसके शेयर का इतना पार्ट 3/15 आया, ये इसने दिया, तो अब यहां से माइनस करो, पहले मल्टीप्लाई फिर माइनस। वैल्यू कितनी आएगी? एलसीएम अगर 15 ले लूं तो 9-3 का मतलब 6/15, ये अनिल का न्यू शेयर है, अनिल का न्यू शेयर है, ये समझे? अब देखो यहां से और क्लैरिटी आएगी। व्हाइल सुनील गिव्स 1/10 फ्रॉम हिज शेयर, सुनील ने दिया अपने शेयर में से 1/10, यानी ये ऑलरेडी कैलकुलेटेड है। उसने क्या बोला? अपने शेयर में से 1/10 दे दिया, भाई मेरे पास 100 रुपीज है, मैं आपको कह रहा हूं 100 में से 20 ले लो, बस 20 माइनस कर दूंगा, तो अगर फ्रॉम है तो फ्रॉम में से सीधा माइनस कर देना, ठीक है? सुनील ने क्या दिया? 1/10 फ्रॉम, तो सुनील का सेक्रीफाइस बस 1/10 ही है, ये 1/10 यहां से माइनस हुआ, और ये भी किसके पास आएगा? चरण के पास, फ्रॉम सुनील, सीधा सीधा कितना आया? 1/10। एलसीएम कितना आएगा यहाँ पे? 10, 4-1, 3/10 ही आ गया, ठीक है? अच्छा अब इसको अगर प्लस करूँ तो यहाँ एलसीएम कितना आ रहा है? यहाँ एलसीएम आएगा 30, यहाँ एलसीएम आएगा 30, 6+3, 9/30। तो अब देखो तीनों का अलग अलग आ रहा है, अनिल का 6/15, सुनील का 3/10 और ये 9/30, तो इनका डिनोमिनेटर हमें सेम करना है, डिनोमिनेटर सेम करूंगा तो 30 आ जाएगा सबका कॉमन, तो कितना एलसीएम ले लो, 15 into 2 30, 2 into 6 12,
10:3, 3:3, 9 और ये तो 30 ही है, तो अल्टीमेटली रेशो आया 12:9:9 इसको अगर आप चाहो तो कट करके 4:3:3 ये आपका आंसर आ जाएगा। दिस इज एक्सीलेंट क्वेश्चन, बहुत बढ़िया सवाल, इसीलिए मैंने आपको कराया है ताकि एकदम क्लैरिटी आनी चाहिए, क्वेश्चन कैसा भी आए एग्जामिनेशन में हम कर पाए, समझ गए? बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आज कम से कम 2 बार देखना और प्रैक्टिस कर लेना अपनी बुक में से, ओके? ये कर लो। अब मैं वैसे भी तुम लोगों की टेस्ट सीरीज शुरू करने वाला हूँ एप्लीकेशन पे, अगर तुम लोगों ने अभी तक डीसी ऐप डाउनलोड नहीं करा है डाउनलोड कर लो, टेस्ट सीरीज आने वाली है, चैप्टर साथ साथ आपके टेस्ट लेता रहूंगा, हमें पता भी चलेगा कि ऑल ओवर इंडिया बच्चे कैसा प्रिपेयर कर रहे हैं, कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। तो एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, अगर आप प्ले स्टोर पे हो तो प्ले स्टोर पे आपका डीसी ऐप आपको मिल जाएगा, और अगर आप एप्पल यूज़ करते हो आईएएस यूज़र हो तो क्लास प्लस ऐप डाउनलोड कर लेना, क्लास प्लस डाउनलोड करके ऑर्गेनाइजेशन कोड पुट करना NRQUG, ये हो गया iOS के लिए, ये हो गया एंड्रॉयड यूजर्स के लिए, नोट्स वगैरह भी अपलोडेड हैं सारे तो आपको हेल्प मिलेगी, ठीक है जी? ये हो गया हमारे पास सेकंड क्वेश्चन, अब स्क्रीनशॉट लो, थर्ड क्वेश्चन करा रहा हूं, तीसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये फ्रॉम और ऑफ वाला पार्ट लिख लिया था ना सबने, काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है ये फ्रॉम और ऑफ वाला। एक और क्वेश्चन करेंगे, लिखो जरा क्वेश्चन, लिखेंगे ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशो 3:2, ए और बी पार्टनर्स हैं, प्रॉफिट्स और लॉस शेयर करते हैं 3:2 में, आगे लिखा हुआ है सी इज एडमिटेड फॉर 1/4 शेयर, सी आया 1/4 शेयर के लिए, और आगे लिखा हुआ है बस ए एंड बी डिसाइडेड टू शेयर इक्वली इन फ्यूचर, बस ऐसे लिखा हुआ है, ए एंड बी डिसाइडेड टू शेयर Equally in future, ऐसा A और B future में कैसे शेयर करेंगे equally? अब सबसे पहले अपना वही बेसिक कॉन्सेप्ट याद करो कि हमारे पास A और B दो पार्टनर्स हैं 3:2, C आया 1/4 के लिए, बात ही खत्म हो गया, किससे क्या लिया क्वेश्चन कुछ नहीं बता रहा, किससे क्या लिया क्वेश्चन इज नॉट टेलिंग अस एनीथिंग, यानी क्वेश्चन में अब क्या करना पड़ेगा सोचो, क्वेश्चन इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा, बस ये लिखा हुआ है कि फ्यूचर में वो इक्वल शेयर करेंगे, यानी फ्यूचर में A और B का जो शेयर होगा वो 1:1 होगा, कब फ्यूचर में, फिलहाल ये तो नहीं बताया ना सी ने कितना किससे लिया, हमें नहीं पता, तो अगर कोई इंफॉर्मेशन नहीं होता तो क्या करना है सॉल्यूशन में, लेट टोटल शेयर इज इक्वल टू 1, टोटल शेयर क्या मानना है 1, अब क्या निकालो इसमें से सी का शेयर हटा दो, सी का शेयर है 1/4, तो रिमेनिंग शेयर निकाल लो, अगर हम C का शेयर हटा दें तो रिमेनिंग शेयर A और B का कितना बचा, अगर टोटल 1 है 1 में से 1/4 हटा दो बचा 3/4, क्या ये 3/4 A और B फ्यूचर में शेयर करने वाले हैं, A और B फ्यूचर में यही तो शेयर करने वाले हैं कि टोटल 1 था 1 में से 1/4 हटाया तो 3/4 A और B के लिए, और क्वेश्चन साफ साफ बोल रहा था कि A और B कैसे शेयर करेंगे इक्वल, कैसे शेयर करेंगे इक्वल, तो अब हमारे पास A का जो न्यू शेयर आएगा या B का जो न्यू शेयर आएगा वो कैसे आएगा, इस 3/4 का हाफ, और इसी 3/4 का हाफ, क्योंकि क्वेश्चन ने बताया था कि A और B इक्वली शेयर करेंगे फ्यूचर में, समझे? अगर क्वेश्चन ऐसा बोलता है कि फ्यूचर में इक्वल करेंगे या किसी पर्टिकुलर रेशो में करेंगे तो 1 में से नए पार्टनर का माइनस करके जो भी शेयर आएगा वो उस रेशो में या इक्वली जो भी दिया है डिस्ट्रीब्यूट कर दो, ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम्स में, ठीक है? देखो 3/8 और सी का न्यू शेयर 1/4, तो अल्टीमेटली इसको भी 8 बनाओ, 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो दिस विल बिकम 2/8, तो रेशो क्या हो गया 3:3:2, दिस विल बी योर आंसर, समझ में आया? इस तरीके से हमारे पास न्यू रेशोज निकल जाती हैं। अब कुछ क्वेश्चंस में ऐसा हो सकता है कि आपको बोले सैक्रिफाइसिंग रेशो भी निकाल के दिखाओ, तो सैक्रिफाइसिंग रेशो आपको मैंने चैप्टर नंबर 2 चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में भी सिखाया है, सैक्रिफाइसिंग रेशो का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो, तो भाई ओल्ड रेशो आपके पास गिवन ही होता है, जैसे ये ओल्ड रेशो है, न्यू आपने ये निकाल दिया तो सैक्रिफाइसिंग रेशो नहीं निकाल सकते आप ओल्ड माइनस न्यू करके, तो अगर सैक्रिफाइसिंग रेशो पूछे तो ओल्ड माइनस न्यू करके निकाल देना, ये मुझे पता है तुम लोग कर लोगे। अब जल्दी से डिस्कस करते हैं हम लोग अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ
रिजर्व्स, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस, ये टॉपिक एक बहुत ही सिंपल सा टॉपिक रहेगा एडमिशन के पर्सपेक्टिव से। देखो इसमें क्या होता है, अपने माइंड में कॉन्सेप्ट सेट रखना बस, ठीक है ना, कॉन्सेप्ट सेट रखना कि ए और बी दो पार्टनर है, इक्वल रेशियो इनका पुराना वाला रेशियो था, ओल्ड रेशियो जो था वो बराबर बराबर था, 1:1, बिल्कुल इक्वल इक्वल। अभी क्या हो रहा है, अभी एक नया पार्टनर आ रहा है, ठीक है, लेकिन जब ये बराबर बराबर थे तो इन्होंने कुछ रिजर्व्स बनाए हुए थे, यानी कुछ पैसा जोड़ा हुआ था। अब वो कोई भी रिजर्व हो सकता है, जनरल रिजर्व, कॉन्टिंजेंसी रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, कोई भी रिजर्व हो सकता है, ठीक है। इनके पास कुछ रिजर्व थे और वो रिजर्व थे 50,000 रुपीज के। अब भाई जब 1:1 दो पार्टनर दो बिल के बिजनेस चला रहे थे, 50,000 दोनों ने पैसे जोड़े थे, अब एक नया पार्टनर आ गया सी, तो अब तीन लोग बिजनेस करने लगे, ए बी और सी। तो आप खुद सोचो कि भाई जो रिजर्व था वो तो इन दोनों ने बनाया था, तो रिजर्व के ऊपर हिस्सा भी इन दोनों का बनना चाहिए, तीसरे का तो कोई हिस्सा बनता ही नहीं है, वो तो अब आया है ना। तो हमारे पास अकाउंटिंग में एक बहुत सिंपल सा ट्रीटमेंट होता है कि जब भी एक नया पार्टनर आता है तो पुराने जितने भी रिजर्व आपके पास पड़े हुए हैं, जितने भी रिजर्व आपके पास पड़े हुए हैं, सिंपली क्या करो, उस रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट कर दो भाई, बांट दो। किस में बांट दो, डिस्ट्रीब्यूट अमंग ओल्ड पार्टनर्स, भाई जो पुराने वाले पार्टनर्स हैं उनका पैसा था ना, वो अपना घर ले जाएंगे, नहीं तो हो सकता है अब आगे सी भी पैसा मांगने लगे रिजर्व का, बोले मैं भी तो हिस्सेदार हूं, मुझे भी दो रिजर्व, उसे नहीं देना, उसने थोड़ी ना पैसा जोड़ा था, पैसा तो ए और बी ने जोड़ा था, उनका पैसा था। तो ये लोग क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर दो अमंग ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो, जो भी उनका हिस्सा है वो घर ले जाए। बहुत सिंपल सा ट्रीटमेंट, जितने भी रिजर्व्स वगैरह हैं आपको इस चैप्टर में ज्यादा सोचना ही नहीं है, जितने भी रिजर्व्स हैं उसको बहुत सिंपली पुराने पार्टनर्स घर ले जाएंगे, ठीक है। उसकी एंट्रीज याद रखना बस, देखो यार रिजर्व्स है, पार्टनर को मिलेगा, पार्टनर को मिलेगा तो फिर फायदा, फायदा तो कैपिटल क्रेडिट, अभी तक यही करते आ रहे हो ना, जब भी कैपिटल पार्टनर की कम हो रही है तो डेबिट, बढ़ रही है तो क्रेडिट, है ना। तो एंट्री क्या होती है जी, रिजर्व्स डेबिट, अगर कोई प्रॉफिट एंड लॉस में प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट किस नाम से दिखता है, क्रेडिट बैलेंस के नाम से, पी एंड एल का क्रेडिट बैलेंस, याद रखना क्रेडिट बैलेंस क्या होता है, प्रॉफिट होता है, ये भी पार्टनर को मिलेगा। टू ओल्ड पार्टनर्स, ए और बी दो पार्टनर्स थे, इनमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ए का कैपिटल और बी का कैपिटल, ये एंट्री याद रखना। क्या बोला मैंने, जितने भी रिजर्व्स हैं, जितने भी प्रॉफिट्स हैं, ये सब पार्टनर्स को मिलेंगे, पार्टनर्स को मिलेंगे तो पार्टनर का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा, घर लेके जाएंगे। कौन से पार्टनर्स, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में 50,000 1:1 में, ठीक है। अगर कोई लॉस हुआ पिछले साल का, भाई अगर प्रॉफिट तुम्हारा है तो पिछला लॉस भी तुम्हारा ही है ना, अगर कोई पिछले साल के लॉसेस होते हैं तो वो भी आपस में ही बांट लेंगे, लॉसेस बांटेंगे तो इन्हें नुकसान होगा, नुकसान होगा तो कैपिटल डेबिट होगा, है ना, नुकसान होगा तो कैपिटल डेबिट, फायदा तो कैपिटल क्रेडिट, नुकसान तो कैपिटल डेबिट। तो फॉर लॉसेस, लॉसेस किस नाम से होंगे, बस दो ही नाम से होंगे, मैं तुम्हें दिखाता हूं, लॉस के केस में कैपिटल डेबिट कर देना, ए का कैपिटल डेबिट, बी का कैपिटल डेबिट, टू या तो पी एंड एल का डेबिट बैलेंस लिखा होगा, डेबिट बैलेंस का मतलब क्या होता है, लॉस, ठीक है, या फिर लिखा होगा एडवर्टीजमेंट, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, इस तरीके से कुछ लिखा होगा, ठीक है। तो बेसिकली इस बार नुकसान है, नुकसान है तो दोनों पार्टनर को कैपिटल डेबिट करना है, ये एंट्री होती है, ये याद रखना, ठीक है जी। इसके साथ साथ सर अगर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व हुआ, तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व एंड इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व हुआ तो इसके मैंने आपको चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में सारे केसेस लिखवाए हैं, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में सारे केसेस लिखवाए हैं ना, इसमें वर्कर जब क्लेम करता है और इसमें जब इन्वेस्टमेंट ऊपर नीचे होता है, बिल्कुल सेम एज इट इज, सेम केस, बिल्कुल सेम केस। तो जो आपने WCR IFR वहां पे पढ़ा था, पूरा पूरा समझाया एक एक केस, वही सेम केस यहाँ पे लगाना है। तो ये छोटा सा ट्रीटमेंट होता है इस चैप्टर में रिजर्व्स का, ज्यादा झंझट नहीं है, पिछले चैप्टर में झंझट थी कि रिजर्व बांटना है या नहीं बांटना, पार्टनर अगर बांटेगा तो ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में बांटेगा, नहीं बांटेगा तो गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, इस चैप्टर में ऐसा कुछ है ही नहीं। जब नया पार्टनर आ गया तो जितना भी पिछला पैसा है, चाहे वो रिजर्व हो, चाहे वो गुडविल हो,
चाहे वो कोई भी पुराना नुकसान हो, प्रॉफिट हो, वो सब पार्टनर घर ले जाएगा। घर ले जाएंगे कौन? पुराने पार्टनर पुरानी रेशो में। ये सीधा सीधा रिजर्व्स का ट्रीटमेंट होता है कौन से चैप्टर में? इन एडमिशन। ये एंट्री लॉसेस की है, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से। ये एंट्री प्रॉफिट्स की है, स्क्रीनशॉट ले लो। कल आपका संडे है, कल आपके पास टाइम रहेगा तो मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हर चैप्टर में से क्वेश्चंस आपको कराता रहूंगा। तो कल पूरा दिन यूट्यूब चेक करते रहना, क्योंकि तुम्हें पता है यूट्यूब नोटिफिकेशन देने बंद कर देगा 3 वीडियो के बाद। बीएसटी की मैंने पेपर से पहले वाले दिन 10 वीडियोस डाली थी, जो बच्चों ने अच्छे से देखी है वो जानते हैं। अकाउंटेंसी की मैं कम से कम 15 से 20 वीडियोस डालूंगा पेपर से पहले, इंपॉर्टेंट। तो कल पूरा दिन देखते रहना प्लीज, नोटिफिकेशन आए या ना आए मैं इंस्टाग्राम पे लिंक डालता रहूंगा, टेलीग्राम पे लिंक डालता रहूंगा, यूट्यूब कम्युनिटी पे भी डालता रहूंगा, तो चैनल जरूर चेक करते रहना। चलो जी, अब हम लोगों ने सबसे पहले रेशोज का पार्ट देख लिया, हमने रिजर्व्स का पार्ट देख लिया, अब चलते हैं गुडविल की तरफ। अब बात करते हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल की। गुडविल का केस जब एडमिशन हो रहा हो, जब नया पार्टनर आ रहा हो, ठीक है। सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझ लो, ऊपर कॉन्सेप्ट समझाता हूं। ए और बी दो पार्टनर्स थे, वही वाले पुराने वाले, हमारे पुराने यार ए और बी, दो पार्टनर्स हैं। अब सी भी आ रहा है जी, सी ने बोला आप 3 हिस्से कर लो प्रॉफिट के, 1 मुझे दे देना। अब ए और बी ने सोचा, यार हमने इतने सालों से मेहनत करी, हमने इतने सालों से मेहनत करके कस्टमर बनाए, और ये सी पहले दिन से प्रॉफिट घर लेके जाएगा। भाई सी अगर खुद का बिजनेस करता तो सी को रेपुटेशन बनाने में, इज्जत बनाने में समय लगता। इज्जत हमने बनाई और हलवा ये खाएगा रोज, प्रॉफिट ये लेके जाएगा रोज, ये तो बहुत गलत बात हो गई भाई साहब, ऐसे कैसे काम चलेगा। तो हमने सी को बोला, भाई देख पहली बात तो सीधी सीधी सी ये है कि आप हमारे बिजनेस में आ रहे हो तो पहले तो आप लेके आओ हमारे लिए कैपिटल। अगर आप बिजनेस में आओगे तो पैसा तो लाओगे, तो सबसे पहले तो कैपिटल लेके आओ। दूसरी बात, कैपिटल तो आपकी है भाई, आप जब जाओगे आप निकाल के घर ले जाओगे कैपिटल, हमें पर्सनली क्या मिलेगा? हमने इतनी मेहनत करी 10 साल से, इज्जत बनाई, कस्टमर सुबह ही आ गए लाइन लग जाती है हमारी दुकान पे, तू नई दुकान खोल के देख तुझे 10 साल लगेंगे इतनी इज्जत बनाने में, हमने मेहनत करके बनाई ना, तो हमें पर्सनली भी तो कुछ दो। तो वो सी को बोलते हैं कि आप क्या लेके आओ कैपिटल के साथ साथ, हमारी गुडविल का भी कंपनसेशन लेके आओ। भाई हमने इतनी गुडविल बनाई, सपोज हमने 1,00,000 रुपए की गुडविल बनाई पूरे फर्म की, फर्म की गुडविल कितनी है 1,00,000, इन दोनों ने मिलके बनाई। अब आप 1/3 प्रॉफिट लोगे या नहीं लोगे? तो इस 1,00,000 का 1/3 आप ले आओ घर से गुडविल के नाम पे, एक ही बार तो मांग रहे हैं, प्रॉफिट तो जिंदगी भर कमाओगे। तो जितना भी गुडविल ऑफ द फर्म है, सीधी सीधी बात याद रखना, जितना भी गुडविल ऑफ द फर्म है, पूरी फर्म की गुडविल जो ए और बी ने बनाई है, फर्म की गुडविल, उस गुडविल का सी का हिस्सा 1/3 ये लेके आएगा। तो नया पार्टनर क्या क्या लाएगा? एक तो कैपिटल लाएगा, वो तो उसकी अपनी है यार, वो तो जब चाहेगा निकाल लेगा, और एक गुडविल लाएगा जो किसको मिलेगी? उस पार्टनर को जिसका नुकसान हो रहा होगा। ऐसा भी तो हो सकता है कि वो वही वाली बात, पहले ए और बी को मिल रहे थे, बी ने बोला मैं तो अपना हिस्सा कोई नहीं दूंगा, ए अपने में से कर ले कम, तो ए ने अपना हिस्सा कम करा, तो ये जो सी गुडविल लाएगा सिर्फ और सिर्फ ए को देगा, क्योंकि बी को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा था भाई, बी ने तो अपने प्रॉफिट में से 1 रुपया भी कम नहीं करा, है ना। सपोज अब ये बराबर बराबर बांट रहे थे ए और बी, अब सी आ गया तो थोड़ा हिस्सा ए का कम हुआ, थोड़ा हिस्सा बी का कम हुआ, फिर ये जो सी पैसा लाएगा ये दोनों को देगा। तो सवाल क्या होता है कि गुडविल का पैसा किसको मिलेगा? दिमाग में सेट रखना, बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि सर पुराने पार्टनर को। अरे नहीं बाबा, पुराने को नहीं, जिन्हें नुकसान होगा, जो सेक्रीफाइस कर रहे होंगे, समझे। अब सेक्रीफाइसिंग कैसे पता लगता है सर? सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालो, पुराना माइनस नया, पुराना रेशियो आपको पता ही है हमेशा गिवन होता है, नया आपको निकालना आ ही गया, तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाल के सीधा सीधा हिसाब किताब कर दो। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? सभी को समझ में आ जाता है, आना चाहिए यार, देखो सीधा सीधा कॉन्सेप्ट है। अब चलो बात करते हैं भाई, देखो गुडविल से पहले जब वो कैपिटल ले आएगा तो कैपिटल की तो सीधी एंट्री याद रखना, बैंक अकाउंट डेबिट टू सी का कैपिटल। मैं मान रहा हूं कि नया पार्टनर सी है तो ये एंट्री याद रखना, बैंक अकाउंट डेबिट टू सी का कैपिटल। भाई सी अपना पैसा लगा रहा है, कैपिटल बढ़ेगा, क्रेडिट हो जाएगा, सही है। अब बात करता हूं गुडविल की। गुडविल के कितने केस? 3 केस। कितने केस बनेंगे? 3 केस। पहली बात, व्हेन सी ब्रिंग्स हिज शेयर ऑफ गुडविल प्राइवेटली, अगर ऐसा लिखा हो कि सी अपना हिस्सा लाया गुडविल का प्राइवेटली, चुपचाप प्राइवेटली उसने पैसा दे दिया, किताबों में तो आया ही नहीं वो,
उसने प्राइवेटली चुपचाप ए और बी को सेटलमेंट कर दिया उनके घर जाके, फर्म में पैसा ही नहीं आया, तो क्या होगी जी यहाँ पे एंट्री? नो एंट्री, याद रखना कोई भी एंट्री पास नहीं होती। इस केस में आप कोई भी एंट्री पास नहीं करोगे, कहीं पे भी प्राइवेटली शब्द देख लो ना चुपचाप, तो वहां पे एंट्री पास नहीं होगी। ठीक है, दूसरा केस क्या बनता है? जब सी, एज इट इज लाइन लिख लेना यार, ब्रिंग्स हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, वो अपनी गुडविल कैश में ले आए, मतलब वो फर्म में लेके आ रहा है यार, पैसा लेके आया है। ठीक है, तो वहां पे क्या एंट्री होती है? ध्यान से एंट्री याद करके जाना, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, टू प्रीमियम फॉर गुडविल, भाई गुडविल के पैसे मिल रहे हैं हमें, फायदा मिल रहा है, फायदे वाली चीज को हम प्रीमियम बोलते हैं। कल शेयर कराऊंगा तुम लोग को, 10 वाला शेयर 12 में, 2 रुपए फालतू में, उसको भी प्रीमियम बोलते हैं। ठीक है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, ये किस चीज का पैसा है? ये सी पैसा लेके आया है जो हमने गुडविल बनाई है उसके लिए, हमें कंपनसेट करने के लिए। ठीक है ना, और ये किस में बट जाएगा? पहली एंट्री ये होगी, दूसरी एंट्री जब ये बट जाएगा, प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट टू किसको मिलेगा भाई? देखो पार्टनर को मिलेगा, पार्टनर को फायदा होगा तो कैपिटल तो क्रेडिट होगा, किसको मिलेगा जिसका नुकसान हो रहा है? टू सैक्रिफाइजिंग पार्टनर, याद रखना टू सैक्रिफाइजिंग पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट, सैक्रिफाइजिंग पार्टनर का कैपिटल अकाउंट। ठीक है, एक केस इसमें और बनता है, इसमें क्या बनता है सर? कि पैसा तो लाया वो, लेकिन उसने बोला कि यार देखो मुझे सपोज 1,00,000 रुपए गुडविल के लाने हैं, मेरे पास सिर्फ 50,000 कैश है, बाकी 50,000 का मेरे पास फर्नीचर है, क्या मैं वो ले आऊं? मैंने कहा हाँ ठीक है यार, कोई दिक्कत नहीं, हमारी फर्म में फर्नीचर लगा दो। तो उस केस में क्या एंट्री हो जाती है? बैंक अकाउंट डेबिट, अगर वो कोई एसेट ले आए तो एसेट अकाउंट डेबिट, कोई भी एसेट वो लाए, बैंक जो पैसा लाया, एसेट जो वो एसेट लाया, टू प्रीमियम फॉर गुडविल, और फिर ये प्रीमियम बढ़ जाएगा, प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट टू वही जो पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहे हैं, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ये केस याद रखना, पहला एंट्री दूसरा एंट्री। ठीक है, अब सर एक सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट आता है, सपोज हमने एंट्री कर दी प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट टू ए और टू बी, और सपोज ये 50,000 लेके आया था, तो ये ए और बी में किस रेशो में बटेंगे सर? क्या मैं इसको ओल्ड रेशो में बांट दूं? नहीं भाई, गुडविल क्यों ला रहा है वो? गुडविल क्यों ला रहा है? क्योंकि उसके आने से पुराने पार्टनर्स को नुकसान होगा भाई, जितना जितना नुकसान होगा उतना उतना ही तो वापस में बांटेंगे, तो इसके आने से पार्टनर को नुकसान हो रहा है, तो इसने बोला 50,000 रुपीज ले लो, 50,000 दोनों बांटेंगे अपनी सैक्रिफाइसिंग रेशो में, याद रखना पूरी अकाउंट्स में, पूरी अकाउंट्स में तुम्हारी सब कुछ ओल्ड रेशो में होता है, गुडविल किस में होता है? सैक्रिफाइसिंग रेशो में, वो भी कौन सा गुडविल? जो पार्टनर नया लाता है, एडजस्टमेंट वाला गुडविल, है ना। अगर कोई गुडविल बैलेंस शीट में है, वो पुराना वाला बैलेंस शीट में, पुराने पार्टनर का पुराना गुडविल, वो पुराने रेशो में जाएगा, ओल्ड रेशो में जाएगा। ठीक है ना। अच्छा जी, चलो अब मैं बात करता हूं थर्ड केस। ये दोनों एक ही है ना, जब वो कैश में सारा का सारा पैसा ले आए या कोई एसेट वैसेट ले आए। तीसरा केस क्या होता है? व्हेन, ये इंपॉर्टेंट है, साउथ इंडिया लिख लेना इसे, इस पे क्वेश्चन आने वाला है बोर्ड्स में। व्हेन न्यू पार्टनर इज नॉट एबल टू ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, नए पार्टनर ने बोला भाई देखो मेरी फाइनेंशियल कंडीशन अभी ठीक नहीं है, मैं तुम्हारी फर्म में आ रहा हूं, मैं काम पूरा करूंगा, मेहनत पूरी करूंगा, लेकिन मैं अभी पैसा नहीं दे सकता। तो पुराने पार्टनर बोलते हैं नो इमोशनल ब्लैकमेल, इमोशनल अत्याचार नहीं चलेगा, कोई बात नहीं, आप नहीं ला सकते ना, कोई बात नहीं, हम जब इस साल का प्रॉफिट बांट रहे होंगे, साल के लास्ट में, आप पूरे साल मेहनत कर लो, साल के लास्ट में जब प्रॉफिट बांट रहे होंगे तो उस प्रॉफिट में से आपका हिस्सा काट लेंगे गुडविल का। आपका सपोज 1,00,000 रुपीज बना, 50,000 आपको गुडविल लाना था, तो वो काट लेंगे आपका, है ना। काटने के लिए क्या हम कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर सकते हैं? भाई उसका कैपिटल पहले से ही कम कर दो ना उतने हिस्से से, कि इससे इतना पैसा लेना है, लेकिन हम कैपिटल इसीलिए शो नहीं करते क्योंकि पार्टनर तो अभी नया आया यार, कैपिटल तो उसने अभी लगाई है, तुम पहले ही माइनस में कर दो कैपिटल। तो कैपिटल ना करके यहाँ पे याद रखना, इसको येल्लो पेन से लिख देता हूं, हम करते हैं नए पार्टनर का करंट अकाउंट डेबिट, याद रखना कौन सा अकाउंट डेबिट कर दो? बैंक की जगह। देखो जब वो पैसा कैश में ले आता था तो बैंक डेबिट कर देते थे, जब वो कैश में ले आता था तो ये बैंक डेबिट करते थे ना, अगर वो नहीं ला पाया तो उसका बस करंट अकाउंट डेबिट कर देना, जितना भी हिस्सा बनेगा। हिस्सा कैसे निकालते हैं?
गुडविल ऑफ द फर्म, गुडविल ऑफ द फर्म यहाँ गिवन होगा, गिवन ना हुआ तो आपने अभी सीखा है एवरेज प्रॉफिट से, सुपर प्रॉफिट से, कैपिटलाइजेशन से, किसी से भी निकालो, मल्टीप्लाइड बाय उसका हिस्सा, ठीक है, गुडविल ऑफ द फर्म मल्टीप्लाइड बाय उसका हिस्सा यहां पे लिख देना, टू किसको मिलेगा, जो भी सेक्रीफाइस कर रहे होंगे, टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट, तो सी का करंट अकाउंट डेबिट, टू सैक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, सपोज ए और बी दोनों कर रहे थे तो दोनों किस रेशो में बांटेंगे, सैक्रीफाइसिंग रेशो में बांट लेंगे, सैक्रीफाइसिंग रेशो सर कैसे निकलता है, फिर से वही बात, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो, ये तुम्हें पता होना चाहिए। तो ये हमारे पास तीन केस बनते हैं सर, किसके, गुडविल के, गुडविल का पैसा वो लेके आएगा ही आएगा, अगर वो प्राइवेटली ले आया तो एंट्री नहीं होगी, अगर वो कैश में लाया तो याद रखना बैंक टू प्रीमियम, प्रीमियम टू ए बी, ए बी अगर दोनों सेक्रीफाइस कर रहे हुए, अगर सिर्फ ए कर रहा है तो प्रीमियम टू ए, सिर्फ बी कर रहा है तो प्रीमियम टू बी, ठीक है, अगर वो कोई संपत्ति वगैरह ले आता है तो बैंक डेबिट, संपत्ति डेबिट टू प्रीमियम, प्रीमियम टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, अगर वो नहीं ला पाता, ये केस खास है, तो सी का करंट अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, समझ गए, ये गुडविल का हमारे पास एंट्री चक्र है जो आपको आना चाहिए, ठीक हो गया, बस ये चार्ट तुमने करा और काम खत्म, ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण नोट्स लिख लो, पहली बात, इफ ऐसा लिखा है कि गुडविल इज विड्रॉन, जो पार्टनर्स हैं उन्होंने गुडविल विड्रॉ कर लिया, निकाल के घर ले गए, भाई जब उन्हें मिला था गुडविल तो आपने क्रेडिट करा था पार्टनर को, अब जब निकाल के घर ले गए तो डेबिट कर दो, ए का कैपिटल डेबिट, बी का कैपिटल डेबिट टू बैंक, है ना भाई, ए का कैपिटल डेबिट, बी का कैपिटल डेबिट टू बैंक, जब आपने उन्हें पैसा दिया था तो कैपिटल क्रेडिट हुआ था, अब निकाल के घर ले गए तो डेबिट कर दो बस, सीधा। दूसरा नोट, इफ देयर इज एनी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग गुडविल, अगर कोई ऑलरेडी एग्जिस्टिंग गुडविल है, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कौन सा वाला, खरीदा हुआ जो बैलेंस शीट के एसेट में है, या फिर ऐसे लिखा हुआ होगा इफ देयर इज एनी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग गुडविल, फिर क्या करना है उसको, राइट ऑफ, गोली मार दो, डिस्ट्रॉय कर दो, सिखाया था ना डिस्ट्रॉय करना, डिस्ट्रॉय कैसे होता है, नुकसान हो रहा है, तो ओल्ड पार्टनर कौन कौन है, ए, बी, टू गुडविल, ए डेबिट, बी डेबिट टू गुडविल, किस रेशो में, ओल्ड रेशो में, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो, ये तो बस देखते ही, यानी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग गुडविल देखते ही डिस्ट्रीब्यूट करना है, सोचना ही नहीं है, देखो डिस्ट्रीब्यूट, बात खत्म, ठीक है, और ऊपर वाली गुडविल की एंट्रियां तुम्हें मैंने बताई दी, ये हमारे पास टोटल एग्जिस्टिंग चार चीजें, उसके बाद ये दो नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हें ध्यान से देखो, और हमारा कार्यक्रम समाप्त, ठीक है, हर चैप्टर में से, हर टॉपिक में से जो जो भी एंटिसिपेटेड क्वेश्चंस हैं, मैं सारे एंटिसिपेटेड क्वेश्चंस आप लोग को सुबह करा रहूँगा, कल करा रहूँगा, पूरा दिन मैंने यही देना है, हर चीज़ छोड़िए, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा एग्जाम अच्छा हो जाए, जैसा बीएसटी में एफर्ट लगाया था वैसा एफर्ट मुझे चाहिए अकाउंट्स में, एफर्ट लगाओ, काम खत्म। तो दिस वॉज अबाउट गुडविल, अब चलते हैं हम लोग जल्दी से चौथा और आखिरी टॉपिक, रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। सर इसमें कुछ नया है? नहीं है, कुछ भी नया नहीं है, कुछ भी नया नहीं है। अभी सिखाया तुम लोग को रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज पीएसआर में। सिंपली क्या होता है, जब भी नया पार्टनर भी आ रहा होता है तब भी आप एक अकाउंट बनाते हो जिस अकाउंट का नाम क्या होता है, रिवैल्यूएशन अकाउंट। फिर से चेक करो, अगर कोई एसेट का वैल्यू बढ़ गया है तो फायदा हो गया इधर लिख दो, लाइबिलिटी कम हो गया तो फायदा हो गया इधर लिख दो, एसेट का वैल्यू कम हो गया नुकसान हो गया इधर लिख दो, लाइबिलिटी का वैल्यू बढ़ गया नुकसान हो गया इधर लिख दो, फिर इन दोनों का टोटल करो, अगर ये ज्यादा है ये माइनस कर दो, प्रॉफिट आ जाएगा रिवैल्यूएशन का। ये जो प्रॉफिट है सर, सवाल उठता है कि ये कौन बांटेगा, भाई मुझे एक बात बताओ, पार्टनर नया तो अभी आया है, एसेट्स और लाइबिलिटीज तो पुरानों के ही थे, तो प्रॉफिट या लॉसेस भी कौन शेयर करेंगे, पुराने ही। ये जो प्रॉफिट है ये किसमें बढ़ता है, ओल्ड पार्टनर्स में। कौन सी रेशो में सर, ओल्ड रेशो में। मैंने आपको पहले ही बताया कि पूरे अकाउंट्स में कोई भी ऐसा काम नहीं है एक्सेप्ट गुडविल जो सैक्रिफाइसिंग रेशो में हो रहा हो, सब कुछ ओल्ड रेशो में होना यार, एवरीथिंग।
और गुडविल में भी एक गुडविल जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग वाला है वो भी ओल्ड में होना है। तो ये हमारा होता है क्या सर, रिवैल्यूएशन का काम। बिल्कुल सेम है इस चैप्टर में भी, और कोई काम ही नहीं है, और कोई काम ही नहीं है। दिस इज इट गाइज, हमारा एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में यही कॉन्सेप्ट हैं जो आपको सारे के सारे आने चाहिए। एक हिडन गुडविल और है, वो सीधा मैं कल ही कॉन्सेप्ट के साथ समझाता हूँ। तो एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में यही कॉन्सेप्ट से उम्मीद है आप लोगों को समझ आए होंगे और पूरा क्लियर हो गया होगा। दिस इज इट फॉर टुडे गाइज, कल मिलता हूँ मैं तुम लोग को सारे की पॉइंटर्स के साथ और इशू ऑफ शेयर्स के साथ। थैंक यू सो मच एवरीवन।